राम राम। नमस्ते। क्या रे, क्या मुजरा हो रहा है? ये क्या दफना दिया इसको? किसने बोला था इसको दफनाने को? पुलिस के आने से पहले क्यों दफना इसको? इसको दफनाने का नहीं, इसका तो पंचनामा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जगीरा ने मारा है कि जगीरा के डर से साला खुदकुशी करके मरा है। ला रे फावड़ा, ला खोद के निकाल साले। पुलिस पे हाथ उठा, देख लूंगा। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार दी ना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। अबे चुप, साले 4 दिन हो गए उन्हें थाने में बंद किए हुए, और जब हमारे हवाले करने का वक्त आया तो पाला बदल रहा है। नहीं, बात ऐसी नहीं, बात यह है कि मामला पूरा मेरे हाथ से ही निकल गया है। अब सरकारी मुलाजिम हूँ, कभी तो ड्यूटी करूँ कि नहीं। और मैंने उनको इतना मारा है जगीरा भाई कि आपका आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। तैने उनके साथ क्या किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बेस साले हमरा शिकार है, और कल सुबह तक देवदुर्ग के चौराहे पे खड़े मिलना चाहिए। अर्जुना जी दादा, तू इस साले के साथ जा, और कोई सियान पर करे तो खपड़िया उतार के रख लियो, बाकी का काम गिद्ध संभाल ले। और कहाँ मर गए सब लोग? सोडा बर्फ कौन लाएगा, तुम्हारा बाप? मुझे नहीं मालूम, मैं तो भी इनको पकड़ के लाया, बाद में जगीरा को भी पकड़ेंगे ना। अच्छा किया आपने, एक बड़े भाई होने के नाते ये बिल्कुल ठीक किया है आपने। आपका मन भी हल्का हो गया और मेरे पाप भी धुल गए। थैंक यू, थैंक यू। बाबूजी, जगीरा गांव में आ गया है, उसने हमारे बाल बच्चों को गोदाम में बंद कर दिया है। और कह रहा था आप लोगों को गांव के चौक में जला देगा और गोदाम भी उड़ा देगा। कुछ भी हो जाए बाबूजी, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम तो यहाँ आपको छुड़ाने आए थे, हम सब आपके साथ हैं बाबूजी। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। लाला जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लड़ेंगे। अब तो मेरी भी आंखें खुल गई है, अब तो पुलिस फौजी भाई भाई मिलकर लड़ेंगे। अब जगीरा नहीं बचेगा साला, लेकिन पहली गोली मैं चलाऊंगा भैया, बस। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहली गोली गुरुंग चलाएगा। ओके भैया, ओके। मैं मेन गेट से अकेला एंटर करूंगा। जाहिर है जगीरा और उसके आदमियों का ध्यान मेरी तरफ होगा। कर्नल पुरी, आप अपने आदमियों के साथ हनुमान टेकड़ी से नीचे उतरेंगे। यस। और क्या हुआ गुरुंग? गुरुंग, कल रात भी इनके मुंह से खून निकला था, मुझे बताने के लिए मना किया। I'm all right, sir. मेजर गुप्ता, गुरुंग को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। महोदय साहब, मैं हॉस्पिटल में नहीं, जंग में लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था। I want to die with my boots on. Please, महोदय साहब. Please. मेजर गुरुंग, उदित, आप लोग चर्च के पीछे वाले रास्ते से अंदर आएंगे।
कैप्टन बिजोन, डिसूजा, आप लोग हवेली के पीछे वाले रास्ते से दाखिल होंगे। हर हालत में हमें गोदाम को बचाना है। किसी भी गांव वाले की जान नहीं जानी चाहिए। कर्नल पुरी पहली गोली चलाएंगे, फायरिंग शुरू होते ही आप लोग गांव में घुस जाएंगे। एनी डाउट्स? नो सर। गुड लक, लेट्स गो। सरदार, एक फौजी आ रहा है। क्या हुआ? डर के भाग गए तेरे साथी या मार दिया अर्जुना ने? बहुत सख्त जान है मेरा भाई। तेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था जगीरा। फौजी? वो मरना नहीं चाहता था। क्या कह रहे हो फौजी? मैंने बहुत समझाया, यकीन दिलाया कि भाई तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे जगीरा को भी भेजता हूँ। तब कहीं जाकर चीखते हुए प्राण निकले। चीखे तो अब तू सुनेगा फौजी। इन गांव वालों की जिन्हें तू बचाने आया है, हम बंगल सिंह उड़ाना स्थलों को। पुरी का फटका, एक ही झटके में तीनों को पटका। साहब, हाँ ठीक है। मेरे पोते से कहना, उसके दादा ने गोली सीने पे खाई, पीठ पे नहीं। Oh!
जी के गन चाहिए। आजा। गुड बॉय, गुड। क्या ये साले डाकू हैं या रावण के सर? क्या एक मारो दूसरा खड़ा हो जाता है। तू फिकर नहीं कर रहा, मैं तू मारता रहे, आज अपने मिशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तू मार, ये ले आ गया रमे। यहाँ रमे, तू एक काम कर, तू चल जा इधर, तू जल्दी उधर जा, मैं बोलता हूँ जाने, तू जाने। घनश्याम, ये क्या हो गया? तू तो बोला था कि मिशन की लेट टाइम अच्छा है। मिशन का टाइम अभी भी अच्छा है रे, लेकिन टाइम मेरा खराब आया था, इसीलिए मैं तेरे को दूर कर दिया ताकि मैं बच जाऊं। मैं बच जाऊं घनश्याम, इसलिए मुझे दूर कर दिया तूने घनश्याम। तू सच्चा सिपाही है रे घनश्याम। मैं तेरे हिस्से कभी मारूंगा, तेरे हिस्से कभी मारूंगा घनश्याम। मैंने मारा घनश्याम और ये तूने मारा घनश्याम। अबे कहां छिप गया फौजी? खत्म हो गई गोलियां, खत्म हो गई। कहां ना गोलियां खत्म हो गई, गोली नहीं। अरे बैठ जाओ, तो गोली दे, गोली तो कल्लू के पास है। अरे ले के आना तू, गोली वहां से चल रही है, गांव वाले वहां छिपे हैं। चलो चलो। ए हराम दादा, जगह है जगीरा जहां हमारे निहत्थे दोस्त को तुमने धोखे से मारा था। गौर से देखो, याद आया? और आज
मैं उसी के हथियार से तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। नमक खराब हो, ये वही हाथ है जिसने तुम्हें खिलाया है। बस बस मिलेगा, तुम्हारे बाप का गोश्त भी मिलेगा, ऐसे ही पोटी पोटी करके खिलाऊंगा। सबर करो, नबी से कई मौत मरना है। हमें छोड़ दे फौजी। अरे तू तो समझदार है फौजी, हमें कानून के हवाले कर दे, हमारा हिसाब तो कानून बराबर करेगा। धोखे से मारा मेरे सरफराज को। आदरणीय गवर्नर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आप हमारे इस छोटे से गांव में पधारे, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर दो शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें। सज्जनों, आज से 17 साल पहले मैं आर्मी में ब्रिगेडियर था। मैंने कृष्णकांत पुरी और इनके साथियों को कोर्ट मार्शल की सजा दी थी। आज इन्होंने साबित कर दिया कि भले उस वक्त अपने फर्ज से चूक गए थे, लेकिन ये लोग बुजदिल नहीं, बहादुर हैं। इन्होंने सिर्फ जगीरा के आतंक का खात्मा नहीं किया, बल्कि पूरे गांव को जागृत किया। इन्होंने इस उम्र में भी बहादुरी और बलिदान की एक मिसाल कायम की, और ये साबित कर दिया कि बिना वर्दी पहने भी देश की सेवा की जा सकती है। सिर्फ देश की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए दिल में, और मैं इस जज्बे की कद्र करता हूं। आइए श्री कृष्णकांत, मैं आपको और आपके साथियों को सरकार की तरफ से सम्मानित करता हूं। वेल डन। थैंक यू सर। आदरणीय गवर्नर साहब, श्री अरुण कुमार जी, मित्रों, इस इनाम और सम्मान के हकदार सिर्फ हम नहीं, ये सब गांव वाले भी हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई जीती। मेरी और मेरे साथियों की ये इच्छा है कि इनाम का ये पैसा गांव के विकास कार्य में खर्च किया जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू गुरुंग। गुरुंग जैसे सिपाही को कोई भी कैंसर नहीं मार सकता। थैंक यू। आज तुम्हारे पिताजी को तुम पर गर्व होगा बेटे। थैंक यू सर। ब्लेस यू। किशनकांत, आखिर ये जंग हम जीत ही गए। जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, एक सिपाही अपना कुछ ना कुछ खो ही देता है। You are right, sir.